हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और हमारा जो चैप्टर है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर, तो जो हमारी लाइट है यानी कि जो लाइट रेज की जब भी हम बातें करते हैं तो लाइट जो है वो दो तरह से बिहेव करती है, रेडिएशंस और मैटर दोनों तरीके से बिहेव करती है। तो जैसा कि हम जानते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन, जो मैक्सवेल की इक्वेशन है उनसे और हर्ज के एक्सपेरिमेंट ने उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शो कर दिया था। मैक्सवेल्स इक्वेशंस एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ने शो कर दिया था कि जो लाइट है, ठीक है, वो कैसी होती है, वेव्स की तरह होती है, यानी कि रेडिएशन कह सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। उसको उनका जो एक्सपेरिमेंट था EM वेव्स के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शो कर दिया था उन्होंने। मैक्सवेल इक्वेशन और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो हैं उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जनरेशन और उनकी प्रोपेगेशन के बारे में बताया था और वो किससे आया था, लाइट से ही आया था। तो उन्होंने चेक किया कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह बिहेव कर रही है। उसके बाद हर्ट्ज ने ही हर्ट्ज ने जो ऑब्जर्वेशन की थी उसने निकाला था डिस्कवरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है। हर्ट्ज ने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज की डिस्कवरी फोटो ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके साथ साथ, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट, इन दोनों ने जो है लाइट को एक पार्टिकल की तरह बता दिया था कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। मैक्सवेल इक्वेशंस और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह बताया। उसके बाद हर्ट्ज ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, यानी कि कॉम्पटन नहीं नाम का साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम से एक इफेक्ट है जो उसका, ठीक है, वो उसने क्या शो किया, लाइट वेव्स को पार्टिकल की तरह। इसका मतलब लाइट जो है वेव और पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, ठीक। कॉम्पटन इफेक्ट आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा है, मैक्सवेल्स इक्वेशन आप कर चुके हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट में यानी कि जो भी कोई लाइट रे है वो क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियाई से जब टकराएगी तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, ठीक है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में। जबकि क्या हो गया था, इधर वेव थी, वेव का कोई मास नहीं होता, और इधर क्या हो गया था, मास हो गया था, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, कोई प्रोटॉन का भी मास होता है। तो ये थे हमारे ड्यूअल नेचर के बारे में बताने वाले, मैक्सवेल, हर्ट्ज और कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। इन तीनों से हमारा क्या पता लग गया कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह बिहेव करती है और पार्टिकल की। इन सभी से क्या पता लगा कि जो लाइट है, लाइट बिहेव्स एज वेव्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड पार्टिकल, मतलब लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट का ड्यूअल नेचर हो गया, वेव की तरह भी काम करती है और पार्टिकल की तरह भी काम करती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक जो रेडिएशन है और मैटर है उसमें क्या डिफरेंस है, यानी कि पार्टिकल और वेव्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही तो हैं रेडिएशन। तो यहाँ से हम रेडिएशंस
और मैटर में देखते हैं, यानी कि पार्टिकल ही कह सकते हैं। मैटर क्या है? पार्टिकल से ही तो बना है। तो रेडिएशंस और मैटर में अगर हम डिफरेंस देखें तो रेडिएशंस क्या है, वेव्स सभी डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही आ गया, जबकि जो मैटर है वो एक ही डायरेक्शन में शूट करेगा, अगर हम फेंकेंगे तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो मैटर की डायरेक्शन होती है लीनियर, जबकि रेडिएशंस की डायरेक्शन क्या होती है, मल्टी डायरेक्शन सभी वेव्स में। तो रेडिएशन के बारे में कहेंगे हम, रेडिएशन जो है इट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शंस, मल्टी डायरेक्शनल होती है भाई रेडिएशन। जबकि जो हमारी हमारा जो मैटर है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में शूट करेगा, ये मैटर ही है कोई, इसको इधर फेंकूंगा तो इधर ही शूट करेगा। इट ट्रेवल्स इन आ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते हैं, जबकि ये ऑल डायरेक्शंस में भाई वेव है ऐसे कर, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है वेव की। दूसरा साथ साथ देखें हम, रेडिएशन है, एक्सरे हो गई भाई, लाइट है वो भी रेडिएशन ही है। क्या हमें उसमें वेट लगता है, कभी मास लगता है, कभी हमें भारी महसूस हुई है, सनलाइट हमारे ऊपर गिरती रहती है, ऐसा तो नहीं कभी उनमें मास लगा हो, वेट महसूस हुआ उनका, कभी कभी नहीं महसूस होता। तो ये क्या होती हैं, मासलेस, क्या होती हैं, मासलेस, रेडिएशंस आर मासलेस। जबकि जो मैटर है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का भी थोड़ा सा तो मास होता है, प्रोटॉन का भी मास होता है, जब और मैटर है तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, इट हैज मास, मैटर का मास होता है, ये क्लियर है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं रेडिएशंस जो ट्रेवल करेंगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, जबकि एक मैटर है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही शूट करेगा। रेडिएशंस मासलेस होती हैं, कभी हमें रेडिएशंस का मास महसूस ही नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं कि कभी ऐसा लगा धूप में गए तो हमारे ऊपर मास बढ़ गया है, भार लगा हो, कभी कभी नहीं लगता भारी। और मैटर है, मैटर का मास होता है, कोई भी मैटर उठाओ कुछ ना कुछ उसका मास होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम रेडिएशंस ऑफ एंड मैटर के बारे में जान सकते हैं, जो हमारी लाइट है वो दोनों तरीके से बिहेव करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगर हम, ठीक है, तो लाइट है वो क्या है, रेडिएशंस की तरह ही बिहेव करती है जो लाइट है, जबकि मैटर में हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र कर सकते हैं यहाँ पर। तो एक मल्टी डायरेक्शनल होती है रेडिएशन, मासलेस होती हैं, लाइट में हम दे सकते हैं इसका एग्जांपल। मैटर में क्या होता है भाई, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, मास भी होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम बता सकते हैं यहाँ पर। यानी कि जो लाइट है दो तरीके से बिहेव करेगी, रेडिएशन की तरह भी और मैटर की तरह भी, यही जानेंगे आज हम चैप्टर में। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी मेटल ले लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हमारा एमिशन ही आएगा कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से निकाल सकते हैं हम। तो हमने पढ़ा हुआ है मेटल जो होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव करने के लिए फ्री। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे हैव इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रीली, बट इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही मूव नहीं करते कभी, ऐसे नहीं कि वो ऐसे घूमते ही रहते हैं बगैर किसी रीजन के। अगर हम मेटल्स के बारे में देखेंगे, मेटल्स में क्या होते हैं, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव करने के लिए, लेकिन वो ऐसे मूव नहीं करते रहते, उसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब वो बाउंडेड भी है, इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड एंड दे रिक्वायर एनर्जी, उनको एनर्जी की जरूरत होगी फ्री होने के लिए, दे रिक्वायर एनर्जी टू बी फ्री और टू बिकम फ्री।
किसी भी मेटल में क्या होते हैं, मेटल गुड कंडक्टर होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री मूव करने के लिए, लेकिन वो बाउंडेड होते हैं, ऐसे मूव नहीं करेंगे। वो मूव कब करेंगे, जब उनको कोई एक्सटर्नल एनर्जी देगा। वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, एनर्जी लाइट की फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। लाइट दें, हीट दें, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस दें, ठीक है, या फिर उसके ऊपर एक्स्ट्रा हम इलेक्ट्रॉन्स की बौछार कर दें, इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे उसके ऊपर। तो यहाँ से जो हम मेटल के सरफेस से जो करते हैं उनका एमिशन, मेटल के सरफेस से जो रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन। यानी कि मेटल के सरफेस से कैसे एमिट कराएं इलेक्ट्रॉन्स को, कैसे फ्री कराएं, मेटल के सरफेस से बाहर कैसे निकालें। द प्रोसेस ऑफ ठीक है द प्रोसेस ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं हम, एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एमिशन। भाई मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना या मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। और इलेक्ट्रॉन एमिशन हम कैसे भी कर सकते हैं, हीट की हेल्प से, लाइट की हेल्प से, ठीक है। एक्सटर्नल एनर्जी दो मेटल के सरफेस को, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। और एनर्जी कितनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी से बंधा हुआ है उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, कम से कम उतनी तो चाहिए भाई इसको तोड़ने के लिए। भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, हमें पता है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इसके साथ जितनी एनर्जी से बंधा हुआ है, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, यानी कि उसके इक्वल तो चाहिए कम से कम इसको हटाने के लिए, ठीक है। तो उस एनर्जी की ही बात हो रही है कि वो मिनिमम एनर्जी, ठीक है, हमें कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए जितनी एनर्जी से वो उसके साथ बाउंडेड है। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन में क्या करते हैं, हम मेटल सरफेस को एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। तो जो हमारा एमिशन है वो डिफरेंट टाइप का होता है, तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम उसको हीट देंगे, हीट की हेल्प से अलग करते हैं, तो ये होता है थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन, यानी कि हीट की हेल्प से एमिशन करना। द प्रोसेस ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय हीट, हीट की हेल्प से। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम बोलते हैं थर्मियोन्स। क्या बोलेंगे भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड थर्मियोन्स, थर्मायन्स, ठीक है भाई। जो हमारा इलेक्ट्रॉन थर्मियोनिक एमिशन है उसमें क्या करते हैं, हमें किसकी ज़रूरत होगी, हीट की ज़रूरत होगी, थर्मल भाई, थर्म की हेल्प से, यानी कि हीट की हेल्प से एमिशन करना इलेक्ट्रॉन का, थर्मियोनिक एमिशन हो जाएगा। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस प्रोसेस में जो फ्री होते हैं वो थर्मियोन्स हो। नेक्स्ट हम इसमें देख सकते हैं फील्ड और कोल्ड कैथोड एमिशन, फील्ड और कोल्ड कैमिशन, यानी कि हम एक्सटर्नल फील्ड यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन।
इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय हाई पोटेंशियल, बाय हाई पोटेंशियल, जब हम हाई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे मेटल के सरफेस से, तो वो हमारा कौन सा प्रोसेस होगा, कोल्ड कैथोड एमिशन या फिर फील्ड एमिशन। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यानी कि लाइट की हेल्प से भी कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या है, लाइट की हेल्प से, फोटोन की हेल्प से, द प्रोसेस ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस बाय लाइट, लाइट की हेल्प से। और इस केस में जो होंगे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फिर फोटॉन्स। क्लियर है हमारा। नेक्स्ट हम इसमें देख सकते हैं, अभी हमारा हो गया थर्मियोनिक यानी कि हीट की हेल्प से फील्ड एमिशन या कोल्ड कैथोड एमिशन हो गया, जिसमें हम देखते हैं हाई पोटेंशियल की हेल्प से, फोटो इलेक्ट्रिक यानी कि लाइट की हेल्प से। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकेंडरी एमिशन, यानी कि अगर हम क्या करें उसके साथ हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स को टकराएंगे, हाई स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन को लाइट करेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मेटल सरफेस से एमिट हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय कोलिजन ऑफ या बाय स्ट्राइकिंग ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल सरफेस, टू द मेटल, मेटल के सरफेस पे जब हम हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से एमिट हो जाएंगे और उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। तो ये हमारा एमिशन के बारे में, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में हमने क्या पढ़ा, मैक्सवेल्स इक्वेशन थी जो, और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के बारे में हम नेक्स्ट भी पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या बताया कि जो लाइट है वो वेव की तरह काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह बिहेव करती है। उसके बाद हर्ट्ज और कॉम्पटन ने क्या बताया कि जो लाइट है एक मैटर की तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो वहाँ से क्या हो गया, जो लाइट हो गया उसका ड्यूअल नेचर हो गया, वेव की तरह भी बिहेव करता है और मैटर की तरह भी बिहेव करता है। फिर हमने देखा रेडिएशन और मैटर में, यानी कि रेडिएशन क्या है, वेव ही तो है, और मैटर के बारे में, तो रेडिएशन और मैटर में हम डिफरेंस जब देखते हैं तो रेडिएशन क्या करती हैं भाई, रेडिएशन की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, तो मल्टी डायरेक्शन में इनकी प्रोपेगेशन होती है, जबकि मैटर की यूनिडायरेक्शनल प्रोपेगेशन होती है। उसके बाद हमने देखा रेडिएशन मासलेस होती है, इनका कोई मास नहीं होता है, और जो मैटर है उसका मास होता है, मास के बगैर तो मैटर होता ही नहीं कभी भी, ये क्लियर है। उसके बाद हमने देखा रेडिएशन में अगर हम देखें लाइट रेज क्या है, एक्स रेज भी क्या है, वो क्या है, रेडिएशन ही है। और मैटर में हमने देखा मैटर के अंदर क्या पड़ा भाई, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी मैटर के अंदर ही आएंगे।
और हम देखें एनर्जी रेडिएशंस के पास भी होती है, एनर्जी मैटर के पास भी होती है, दोनों के पास ही एनर्जी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटल्स, क्योंकि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में जानना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे निकलेंगे किसी मेटल। हमें पता है मेटल गुड कंडक्टर होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव करने के लिए, लेकिन मेटल के सरफेस से बाहर जाने के लिए नहीं, मेटल के अंदर ही, सरफेस के अंदर ही मूव करते हैं। मेटल के यानी कि वहाँ पर कह सकते हैं एटम के अंदर ही मूव करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रीली मूव करेंगे बाहर भाग जाएंगे। वो कब होंगे फ्री, एमिट कब होंगे मेटल के सरफेस से, जब उनको हम एक्सटर्नल एनर्जी देंगे कोई भी। जब एक्सटर्नल एनर्जी देंगे वो हीट की फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट की फॉर्म में दे सकते हैं, हाई पोटेंशियल दे सकते हैं, या फिर कोई अलग से उस पर हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन का कोलिजन करा सकते हैं। तो यहाँ से जिस चीज़ को हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए, उसी से डेफिनेशन बन जाती है। नहीं, इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन एमिशन। उसके बाद अगर हम हीट की हेल्प से कर रहे हैं तो थर्मियोनिक एमिशन, अगर हम हाई पोटेंशियल की हेल्प से कर रहे हैं फील्ड एमिशन या कोल्ड कैथोड एमिशन, अगर हम लाइट की हेल्प से कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, अगर हम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन करा रहे हैं तो हमारा हो जाएगा सेकेंडरी एमिशन। तो ये है हमारा एमिशन के बारे में कि मेटल के सरफेस से किस किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हैं, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।